हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपके लिए क्लास सिक्स का पिछले साल का मिड टर्म का पेपर लाया हूं और इस साल के लिए आपकी वो बहुत हेल्प करेगा। पहले मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा का पूरा पेपर समझाऊंगा ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता पढ़ना क्या है सही से। और अच्छा स्कोर लाने के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ता है, उसके लिए अच्छे से बात पता होनी चाहिए। तो डियर, आपको पोएम करनी है, ठीक है, अ हाउस अ होम वाली, क्लियर हो गई। अब इस पोएम को आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको इस पोएम की प्रैक्टिस करनी है तो आपको वर्कशीट करनी है 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, और वर्कशीट नंबर 9 की करनी है। अगर आप ये वर्कशीट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अ हाउस अ होम को अच्छे से डिटेल में पढ़ें और जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके देख सकते करें, पोएम का नाम, पोएट का नाम, ठीक है, और नाउन अच्छे से आने चाहिए। जैसे मैंने बोला राम, तो राम कौन सी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, जब किसी का नाम होता है उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। मैंने बोला दिल्ली, तो दिल्ली कौन सी नाउन है, क्योंकि वो दिल्ली एक प्लेस का नाम है ना, तो प्रॉपर नाउन हो गई। मैंने बोला सिटी, अब सिटी तो बहुत सारी होती हैं, तो वो कौन सी होगी, कॉमन नाउन हो गई, ठीक है। मैंने बोला ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। मैंने बोला चाइल्डहुड कौन सी है, कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गई। मैंने बोला आयरन, लोहा, तो ये कोई चीज़ का नाम है ना, तो मटेरियल नाउन हो गई। तो आपको नाउन अच्छे से करनी है। पेपर भी दिखाऊंगा, पहले थोड़ा सा सिलेबस समझ लो। यहाँ पर लिखा है थर्ड क्लास फोर्थ क्लास, तो आपको थर्ड क्लास फोर्थ क्लास में जो आपने इज़्ज़ामा लगाना सीखा था ना और वाज़ लगाना सीखा था, तो आपको अच्छे से आना चाहिए कि इज़्ज़ामा कहाँ लगाते हैं, वाज़ कहाँ लगाते हैं, डू हैव कहाँ लगाते हैं। जैसे आई के साथ वॉज लगता है, ही के साथ वॉज लगता है, शी के साथ बताओ क्या लगता है, जल्दी बताओ, वेरी गुड, वॉज लगता है। दे के साथ क्या लगता है, डब्ल्यू ई आर वर लगता है। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ वर लगता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आई के साथ एम लगाते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। नेम के साथ क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। दे के साथ क्या लगाते हैं, आर। यू के साथ आर, वी के साथ आर। तो आपको इस तरीके से खाली स्थान में आएगा और आपको करना होगा, आपको राइमिंग वर्ड करने हैं। देखो, हार्ड का यार्ड, फ्लोर का डोर्स, आपको बेडरूम में यूज़ होने वाली चीज़ें बतानी है। आंसर लिखा हुआ है, ये ना सिलेबस है, इसमें आपको हिंट दे रखी है, आपको और भी याद करना। देखो, बेडरूम में क्या क्या होता है, मैट्रेस होता है, शीट होती है, स्मॉल टेबल बुक, ऐसे आपसे बोल देगा। रसोई में क्या होता है, किचन में पांच चीज़ें बताओ कौन सी होती है, स्कूल रूम में कौन सी पांच चीज़ें होती हैं, क्लासरूम में कौन सी पांच चीज़ें होती हैं, रोड पर जा रहे हो तो रोड पर पांच चीज़ें कौन सी होती हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है, सुन रहे हो? तो देखो, यहाँ पर एक और बोला, लिविंग रूम में, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, सोते हैं, तो वहाँ पर कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, आर्म चेयर, ब्लैंकेट, टेलीविज़न, बाथरूम, ठीक है। कईयों के लिविंग रूम में बाथरूम होता है, कईयों के नहीं होता, तो नहीं है तो मत लिखना। सुन रहे हो? बॉटल्स, टूथब्रश, ये आपको पैराग्राफ करना है। माय फेवरेट वर्ड, देखो बच्चों, मैं एक्सपीरियंस हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पैराग्राफ माय फेवरेट वर्ड लिखा ना, तो जरूर नहीं यही आएगा, माय स्कूल आ सकता है, माय मदर आ सकता है, सुन रहे हो, और माय फैमिली आ सकता है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी आ सकता है, ठीक है। आपको ये जो मैंने बोले ना, माय स्कूल, वैल्यू ऑफ ट्री, ठीक है, माय क्लासरूम, माई सेल्फ, माई मदर, ये जो मैंने बोले हैं ये अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी आ रखे हैं। सुन रहे मेरी बात? बस 10-10 लाइन याद करनी है, सब 10 लाइन ही तो हैं, याद कर लेना। अब ये वाला तो अच्छे से ही करना है, माई फेवरेट वर्ड आ गया तो बल्ले बल्ले, ठीक है। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, इसको आपको प्रोवाइड करूँगा, शॉर्ट में भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो अब आपको लेसन कौन सा करना है, डोग वाला करना है, तो आपको इस चैप्टर में सफिक्स प्रीफिक्स भी सीखनी होगी, आपको वर्ब की फॉर्म भी सीखनी होगी। जिन बच्चों को पेपर देखना है, वीडियो आगे कर लेना, ठीक है। आपको ये लगाना आना चाहिए कि चेंज द नंबर आते हैं, सिंगुलर प्लुरल, बॉय का बॉयज, अच्छा बताओ चाइल्ड का क्या होगा, चाइल्ड का होगा चिल्ड्रन, बच्चों को पता ही नहीं होता। अच्छा बताओ ऑक्स का क्या होगा, ऑक्स का, ऑक्स का होता है ऑक्सन, ठीक है। ऐसे बताओ फुट का क्या होता है, फुट का, फुट का होता है फीट। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, आपको सारे पता होने चाहिए।
आपको प्रीफिक्स सफिक्स आने चाहिए, कहाँ से लगाते हैं कहाँ से लगाते हैं, आपकी बुक में एग्जांपल भी दे रखे हैं, ठीक है। आपको नेस एल वाई ये सब लगाना चाहिए, तीन वर्ब की फॉर्म होती है, ये आपको पता होना चाहिए। मेरी बात सुन रहे, मैं क्या आपको समझा रहा हूँ? आपको डॉग वाले लेसन के साथ साथ ग्रामर भी अच्छे से करनी है, ठीक है। पांच नाउन, पांच एडजेक्टिव, ये अपने फ्रेंड से पूछो। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो क्वालिटीज़ बताते हैं, जैसे आप सुंदर हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप हैंडसम हो, आप क्यूट हो, ठीक है, आप ठीक है, या कोई वाइट चीज़ है, कोई ब्लैक चीज़ है, सुंदर मेरी बात। और वर्कशीट देखो अच्छे से करनी है, ये वाली, ये वर्ब की वर्कशीट है 26-27 क्लासिक्स की, और जो कुत्ते से रिलेटेड जो चैप्टर है ना टू, उसकी वर्कशीट 19-20-21-22 करनी है। अगर आप अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो जरूर कर लेना डियर। यहाँ पर बोल रहे हैं इज एम आर कहाँ लगाना है, वर्ब के, देखो जब इज एम आर लगता है ना तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लग जाता है, जैसे आई एम टीचिंग, तो जब एम लग जाए और वर्ब लिखा हो तो आई एन जी लगा देंगे। अगर कभी भी वर्ब लिखी आती है और इससे पहले इज एम आर आता है तो वर्ब में आई एन जी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो अपोजिट वर्ड आपको करने हैं, मैंने आपको बताया ना कौन कौन सी नाउन होते हैं, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आपको टी वाई आई टी वाई कहाँ लगाना है। तीन फॉर्म ऑफ वर्ब अच्छे से करनी है, तीन फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, जैसे प्ले प्लेड प्लेड, गो की क्या होती है, गो वेंट गोन, तो समझ में आ गई। तो देखो बस इतना ही था आपका कोर्स, ठीक है। मिड टर्म के ये जो लिखे ना लेसन, ये सिर्फ पढ़ने के लिए हैं, फिर मिड टर्म के फाइनल टर्म का वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन पेपर पे, चले करें क्वेश्चन पेपर। अच्छा एक बात रह गई, यहाँ पर एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताया डियर। आपको एप्लीकेशन सिक लीव की करनी है, ठीक है, और चेंज ऑफ सेक्शन की कर लेना, और अर्जेंट पीस ऑफ वर्क की कर लेना, ये जो आपकी मैडम ने कराई वो भी कर लेना, ठीक है। एप्लीकेशन भी आ सकती है आपकी, यहाँ लिखी नहीं है तो आ सकती है, ये नहीं कि लिखी नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब हम करेंगे पेपर। देखो आपका पेपर कैसे आने वाला डियर, पहले आपकी पैसेज आएगी, पैसेज, अच्छा इसके आंसर, इसके आंसर हम कर लेते हैं, मैं कुछ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एंडोक्लिस था, उसको ऑर्डर बोला गया कि भाई चल एक लॉयन है उससे तुझे लड़ना है, और लॉयन जो था ना बहुत भूखा था, लॉयन बहुत ज़्यादा भूखा था, दो दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे पूरा पता था राजा को कि लॉयन एंडोक्लिस को मार देगा, ठीक है, और सो ही वाज सेट टू बी बैक, ही वाज श्योर द लॉयन वुड टियर हिम। अच्छा ये एंडोक्लिस बोल रहा है, उसे पूरा पता था कि लॉयन से मार देगा। लार्ज क्राउड देख रही थी लड़ाई को कि कैसे लड़ेगा, लॉयन जो है उसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो जानवर जो लॉयन था वो बहुत तेज़ से दहाड़ने लग गया, ठीक है, जब वो बाहर निकला। आपको पता है इस कहानी के आगे क्या हुआ था? बाद में ना एंडोक्लिस को चाटने लग गया, क्योंकि एंडोक्लिस ने एक बार जब जंगल में था तो उसके पैर में से काटा निकाला था, और जानवर इस बात को भूला नहीं, और पूरी पब्लिक देख कर हैरान हो गई कि लॉयन ने इसको मारा क्यों नहीं, ठीक है। चलो तो बच्चों ऐसे ना आपको पैसे पढ़ने हैं, और आंसर कैसे करने हैं, एंडोक्लिस वाज ऑर्डर टू, देखो ये पूरी मिलती जुलती लाइन ढूंढो कहाँ लिखी है, ये लिखी, अगर आपको इंग्लिश की हिंदी नहीं आ रही ना तो मैचिंग करो, ये लिखी हुई है। आगे क्या लिखा, टू भी लिखा, फाइट बचा तो फाइट आ गया, ठीक है, विद ए टाइगर, किससे लड़ाई करनी थी पता, किससे लड़ाई करनी थी, लायन से, तो यहाँ पर ये वाला आंसर आएगा। ये मत सोचना कि जिस बच्चे ने टिक मार रखे हैं सही हैं, ये तो किसी बच्चे से क्वेश्चन पेपर लिया, इसका आंसर ये है। जो बच्चा पैसे देख कर आंसर नहीं कर सकता वो आगे कैसे बढ़ेगा, सुनवाई पैसे कैसे करनी है, इसमें से जो लाइन मिल रही है उसी के आगे देखो कौन सा वर्ड लिखा है, और नीचे ऑप्शन में देखो कहाँ है, समझ में आ गया। ये नहीं आंखें बंद करके तुक्का भेड़ दोगे, ये कह रहा है हु हैड कम टू सी द फाइट, फाइट देखने कौन आया था, यहाँ देखो ढूंढो कहाँ है, ये लिखा टू सी द फाइट, ये लिखा पीपल आए थे, क्राउड ऑफ पीपल, पब्लिक आई थी, लोग आए थे, तो ये कहाँ पर आंसर लिखा था, ये लिखा। अब इस बच्चे ने ऐसे तुक्के भेड़ दिए, या किसी बच्चे को बेवकूफ़ बनाने के लिए डिसीजन लगा दिया, चलो हमें इसे क्या। अब देखो ये कह रहा फोर हाउ मेनी डेज हैड द लॉयन बीन कैप्ट हंगरी, कितने समय तक उसे भूखा रखा गया था, कितने समय तक। अगर आपने पोएम या पैसेज पढ़ ली ना तो
तो आपको पता लग जाएगा कि कितने दिन तक रखा गया था। ये लिखा 2 डेज, जो ये लिखा कैप ठांगरी 4, मिलते जुलते वर्ड ढूंढो ना कहाँ लिखे हैं। ये लिखा कैप ठांगरी लिखा ना, और ये लिखा डेज, हाउ मैनी मतलब कितने, तो कितने इसका क्या आंसर आएगा 2 डेज। इस बच्चे का ये भी गलत है, समझ में आ गई। लिखा द लोयन केम आउट ऑफ इट्स केज, ये ढूंढो लाइन कहाँ लिखी है, द लोयन केम, द लोयन केम ढूंढो कहाँ लिखा। देखो यहाँ पे लोयन ने लिखे बीस्ट लिख दिया, अब बीस्ट मतलब कौन था, जानवर, यानी कि लोयन की तो बात चल रही है, थोड़ा सा अलग दे दिया, तो केम रोरिंग अलाउड, क्या आंसर है इसका, रोरिंग अलाउड। तो इसका आंसर यहाँ पर देखो ये लिखा रोरिंग अलाउड। और ह्यूज का क्या मतलब होता है, ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ये एक्सट्रीमली लार्ज आ जाएगा, ये सेम मीनिंग बोला था इसने, ठीक है। ऐसे बच्चों एक और पैसेज है, एक और पैसेज है, इसको पढ़ के फिर आंसर बताना है। जैसे वेयर डिड द टॉल ट्री स्टैंड, जो लंबा सा पेड़ था वो कहाँ खड़ा था। अब देखो ये ढूंढो, मैंने बिना पैसेज पढ़े बता रहा हूँ, तो देखो डिड होता है ना, डिड जब हम आंसर देते तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाती, तो यहाँ पर पैसेज में ना ये स्टैंड नहीं लिखा होगा, ये स्टूड लिखा होगा। ये बात सच्ची है, जिन बच्चों ने पढ़े अच्छे किया ना वो जीवन में अच्छे बन गए हैं, सुन रहे मेरी बात। जब डिड लिखा है तो आंसर में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। मैंने आपको भी सिखाई थी ना वर्ब की फॉर्म कौन से होते हैं, पहले गो, फिर वेंट, फिर गोन। तो स्टूड ढूंढो कहाँ लिखा है, ये लिखा स्टूड। तो डीप इन अ फॉरेस्ट, घने जंगल में एक लंबा पेड़ था, तो यहाँ टॉल ट्री, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसने पूछा कि कहाँ पर था लंबा पेड़, कहाँ था, इन अ डीप फॉरेस्ट। ये देखो ये मिलती जुलती लाइन लिख रही है, लिख रही नहीं लिख रही। तो बस आपको पैसेज को ढूंढना आना चाहिए, बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं पैसेज ढूंढ नहीं पाते, समझते नहीं है ना, जल्दबाजी करते हैं। द ट्री वॉज द होम ऑफ द फ्लॉक ऑफ, देखो पेड़ किसके झुंड का घर था, ये फ्लॉक ऑफ ढूंढो कहाँ लिखा है, ढूंढो फ्लॉक ऑफ, ढूंढो, ये लिखा फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, देखा वाइल्ड गीस, तो ये रहा वाइल्ड गीस। इस बच्चे ने ये भी गलत कर दिया। अब देखो लीफी ब्रांचेस आर द ट्री आर कंपेयर टू, किससे कंपेयर किया गया, ढूंढो ये लीफी ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ढूंढो जल्दी ढूंढो। ये लिखा, लिखा नहीं लिखा, किसकी तरह स्ट्रॉन्ग आर्म्स, लंबी लंबी बाजू लग रही हैं, ये रहा स्ट्रॉन्ग आर्म्स। वेयर डिड द ओल्ड बर्ड नोटिस द क्रीपर, ओल्ड बुड्ढे जो पक्षी था ना, बुड्ढा पक्षी, उसने क्या नोटिस करा, ये क्रीपर नीचे जा रही है, अगर नीचे चली गई तो कोई भी ऊपर चढ़ के हमें मार देगा, तो क्रीपर काट देनी चाहिए ताकि कोई पेड़ पे चढ़ ना पाए, उसने नोटिस कर लिया। तो क्या लिखा, ऑल द फुट ऑफ द ट्री, तो देखो ये लाइन ढूंढो, देखो कहाँ लिखा है, नोटिस द क्रीपर, ढूंढो ढूंढो कहाँ, ये लिखा नोटिस द स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री, लिखा नहीं लिखा, तो देखो ये रहा आंसर। आई समझ में कैसे करना है, आगे डियर। अब इससे बोला फुलिश का अपोजिट क्या होगा, फुलिश का, बेवकूफ का क्या होगा, दिमाग वाला ना, जैसे तुम सब दिमाग वाले बच्चों, तभी जो वीडियो देखो तभी तो पढ़ रहे हो। देखो एप्लीकेशन आई है यहाँ पर सिक लीव की, नहीं मतलब 2 दिन की छुट्टी के लिए आई है, तो आपको कोई काम होगा ना, तो आप, अच्छा सिक लीव ही है, आगे लिखा है सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आप बीमारी से पीड़ित हो। मेरे ये बोलने का ही तरीका इसलिए था कि बच्चे ना बस हल्की सी लाइन पढ़ी ऐसे बोल देते हैं, अरे ये नहीं आई, अरे वो आई है, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो, तो इसलिए मैंने बोला। अब देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप बीमारी से पीड़ित हैं, आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है 2 दिन की छुट्टी के लिए लिखनी है, मान लो आपने 3 दिन की छुट्टी वाली याद रख सकी है ना, तो 3 की जगह 2 लिख दोगे। अब बच्चे चेंज नहीं करते, फिर कहते नंबर नहीं आते। अब ये जो लिखा ना ये, इसका यूज़ नहीं करना, ये हिंट बता रहा है कि पहले क्या लिखना है, पहले क्या लिखना है। अब बच्चे ये लिख के इसके आगे लाइन ये लिखने लग जाते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हो ना वैसे लिखना है आपको, जैसे टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज, फिर उसके बाद ये फिर सब्जेक्ट लिख देंगे इस तरीके से, जैसे एप्लीकेशन आप लिखते हो ना भाई। अगर आप ऊपर वाली लाइन करना चाहते हो तो नीचे वाली एप्लीकेशन कर सकते हो, आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आप इस यहाँ से जा रहे हैं, आप आगरा जा रहे हैं हमेशा के लिए, तो आपको स्कूल छोड़ना है इसलिए, ठीक है।
और पैराग्राफ लिखना माई मदर पर, देखो मैंने कहा था ना कोई और पैराग्राफ भी आ जाता है, माई मदर पर आ गया। तो ये जो लिखना ये हिंट है कि जब आप पैराग्राफ लिख रहे हो तो इसमें क्या क्या बता दो, जैसे माई मदर नेम इज, माई मदर्स एज इज, या हर एज इज, शी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, हर क्वालिटीज और उसकी क्वालिटीज क्या है, हार्ड वर्किंग है मेरी मम्मी, हार्ड वर्किंग है, बड़ी मेहनत करती है मेरी मम्मी, ठीक है, हेल्पर है, ठीक है, मेरी पढ़ाई में हेल्प करती है, शी हेल्प्स इन माई स्टडी। और मेरी मम्मी को क्या पसंद है, माई मदर लाइक्स रसगुल्ला, माई मदर लाइक्स जलेबी, माई मदर लाइक्स राजमा छोले, भटूरे छोले, और क्या पसंद नहीं है मेरी मम्मी को, क्या बताओगे आपकी मम्मी को क्या पसंद नहीं है, माई मदर डिसलाइक्स कॉफ़ी, मेरी मम्मी को कॉफ़ी पसंद नहीं है, समझ आई, माई मदर डिसलाइक कोफ्ता, मतलब कुछ भी ऐसे मतलब। तो उसके बाद आवाज़ ग्रामर पर, तो आपको इसमें कम से कम 10 लाइन लिख देनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आई बोट अ बुक, मैं बुक लेकर आया हूँ किसके लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आई बोट अ बुक फॉर यू, यहाँ फॉर आएगा, आपको उसका मतलब भी पता होना चाहिए के लिए। बस देखो ऊपर जो मैंने ग्रामर बताई ना, सफिक्स प्रीफिक्स वर्ब, वो आपको अच्छे से करनी है, और ये ना पांचवी चौथी की है, तो इसलिए राजपाल इज लिसनिंग टू म्यूजिक आएगा, क्योंकि म्यूजिक को सुन रहा है। रान इज एक्साइटेड, ठीक है, टुमारोज फंक्शन, क्या आएगा, रानी इज एक्साइटेड फॉर टुमारोज फंक्शन, मतलब कल के फंक्शन के लिए वो एक्साइटेड है। ही वेंट, कहाँ गया वो, ही वेंट इन टू द हॉल, वो हॉल के अंदर गया, जैसे जब हम किसी चीज़ के अंदर जाते हैं ना वहाँ पे इन टू लगाते हैं। द बुक इज कैप्ट, बुक को कहाँ रखा जाता है, टेबल के ऊपर रखा जाता है, तो ऑन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अब यहाँ पर इसने बोले देखो बच्चे कितने भोले हैं, यहाँ बता दिया कि ये भरना है और बच्चे फिर भी कुछ और भर रहे हैं। देखो शी टू मार्केट यस्टरडे, तो क्या आएगा, वेंट, मार्केट गई थी ना तो जाने को बोलते वेंट। सन निकलता है तो सन राइजेज, इसमें राइजेज आ जाएगा। माई मदर अ न्यू ड्रेस फॉर मी लास्ट वीक, तो यहाँ आएगा खरीदी तो बोट आ जाएगा। टेम्पल में, ठीक है, एवरी डे लिखा ना, जब रोज़ का काम होता है तो वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आई हैव डन, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, तो यहाँ पर कम्प्लीटेड आ जाएगा, ठीक है, आई हैव कम्प्लीटेड माई होमवर्क, समझाए कैसे करना है। अब देखो यहाँ पर कितना आसान दिया था, कह रहे इसको जोड़ के लिख दो चाइल्ड, पता चाइल्ड के साथ क्या लगाएंगे, एच डबल ओ डी, तो क्या बन जाएगा, चाइल्ड हुड। देखो ये लिखा हुआ है, अरे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सा लगाना है, ओ हो हो कितना आसान है, ये तो गलत है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, चाइल्ड जमा में हुड, तो बन जाएगा चाइल्ड हुड। ऐसे फ्रेंड में यहाँ पे क्या लगा देंगे, शिप, फ्रेंडशिप बन जाएगा। डेवलप में क्या लगा, डेवलपमेंट लगा देंगे, और काइंड में नेस लगा देंगे, तो काइंडनेस बन जाएगा। पहले यहाँ पे नेस लिख दोगे, फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे, काइंडनेस। आगे समझे, अब इसने बोला कि अपोजिट वर्ड बताओ, डार्क का क्या होता है, लाइट, तो यहाँ पे लाइट लिख दो। अपोजिट वर्ड आते हैं सबको बच्चों, हैप्पी का क्या होगा, सैड, फैट का क्या होगा, थिन, ट्रू का क्या होगा, फॉल्स। फिर उसके बाद फिर से पैसे जाएगी, और जब पैसे जाएगी तो अभी आपकी बुक की पैसे जाए, आपने डॉग वाली कहानी पढ़ी है ना, अच्छा आप बताओ सबसे पहले कहानी में डॉग जो है वो क्या करता है, अकेला खुद रहता है अपने पास, फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे मालिक चाहिए, मैं भूखा हूँ, ठीक है, कोई मिल जाएगा तो उसकी सेवा करूँगा, बदले में खाने को मिल जाएगा, तो वो किसके पास जाता है, वोल्फ के पास, वोल्फ के पास किसके पास जाता है, बियर के पास, बियर से किसके पास जाता है, लायन के पास, लायन के पास लास्ट में किसके पास जाता है, मैन के पास, है ना। अब बताओ हु डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद द बियर, बताओ किसने बोला था मैं बियर के यहाँ पे काम कर लेता हूँ, अरे कुत्ते ने तो बोला था, तो डॉग लिख देंगे। अब ये इसी में ढूंढ के लिखना है, देखो ये लिखा, ये लिखा, देखो डिसाइडेड ये लिखा, टेकअप ये लिखा, तो ये हु की जगह क्या आ जाएगा, डॉग, आए समझ। जिस बच्चे को पैसेज आ गई ना वो अच्छे नंबर ले आएगा, अच्छे नंबर ले आएगा। बताओ कौन स्ट्रोंगर था वॉल्फ से, बताओ कौन था स्ट्रोंगर वॉल्फ से, तो कौन था वॉल्फ से स्ट्रोंगर, बियर, वेरी गुड, बियर, भेड़िया, सॉरी भालू। ये देखो ये अगर तुम्हें देख के लिखना है तो आप ढूंढो इसमें स्ट्रोंगर, ये लिखा, ये लिखा, लिखा ना ये स्ट्रोंगर, तो हु की जगह आएगा कौन, बियर आ जाएगा। अरे
सारा पैसेज इसी में से करनी होती है। What did the bear want to eat? बेयर जो था वो क्या खाना चाहता था? ये लिखा 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 ढूंढो 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 कहाँ लिखा ईट ईट ईट, ये लिखा ईट ईट लिखा ना, तो क्या खाना चाहता था? काओ। तो इसका आंसर क्या देगा? काओ, गाय खाना चाहता था। अब फिर आपकी पैसेज आएगी। अच्छा ये इस बार डिलीट हो गई है काइट वाली, तो ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना, मैं फिर पढ़ ही नहीं रहा। आपको हाउस और होम वाले अच्छे से करनी है, उसी में से स्टेंज आएगी, आंसर ढूंढने होंगे। ठीक है, हाउस किसे कहते हैं? जो मकान होता है जिसमें ईंट पत्थर सीमेंट से बना होता है। होम जिसमें लव होता है, फैमिली होती है, जिसमें अपनापन होता है ना। तो अब उसके बाद आएंगे क्वेश्चन आंसर। तो देख लो ये क्वेश्चन आंसर है, इंपॉर्टेंट है, आपने जो बुक में कर रखे वो सारे कर लेना। ठीक है, तो मैं इसके क्वेश्चन समझा रहा हूँ, आंसर खुद कर लेना अब। ठीक है, जैसे जैसे बोला व्हाई डिड द डॉग लीव वॉल्फ, कुत्ते ने ये क्यों बोला कि मैं भेड़िए को छोड़ दूंगा? बोलो क्यों बोला? क्योंकि उसने देखा कि बेयर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। अरे इसका आंसर तो पैसेज में मिल गया। देखो कुछ क्वेश्चन का आंसर ऊपर पैसेज में मिल जाते हैं। देखो बेयर वाली ऐसे, देखो उसने क्यों छोड़ा? क्योंकि बेयर जो स्ट्रॉन्गर था, ये लिखा, ये पूरा लिख देंगे आंसर। अरे क्वेश्चन आंसर का भी आंसर पैसेज में मिल गया। बच्चों अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो ना तो मुझे ज़रूर बताना, कभी हुआ है ऐसा कमेंट करके बताना। होम डिड द डॉग फाइनली चूज, पता उसने अपना सेकेंड मास्टर किसको बनाया? किसको बनाया? पहले वोल्फ को बनाया था, फिर किसको बनाया? बेयर को। क्यों बनाया? बेयर स्ट्रॉन्गर था। इसका आंसर भी उसमें मिल गया, हाँ या ना। ये कह रहे इन द पोएम पढ़ी हाउस होम वाली, तो हाउस किसे कहते हैं? हाउस किसे कहते हैं जिसमें ईंट पत्थर बजरी वगैरह होती है। और व्हेन डिड द काइट, ये तो डिलीट हो गया है। और बताओ कुत्ते ने लास्ट में किसको मालिक बना लिया? यहाँ ले देंगे मैन को। और फिर कैसे बनाया? क्योंकि मैन जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था। ठीक है ना। अच्छा एक बात और सुनो, यहाँ लिखा है एनी फोर, अगर कहीं लिखा होता ना एनी फोर एनी टू, तो आपको उनमें से चार या जितने लिखे उतने करने होते हैं। तो कैसे लगी वीडियो? लाइक करके अपना सपोर्ट जाहिर करना, बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, जितने लाइक उतना सेटिस्फेक्शन, उतना सपोर्ट, आप सबका साथ रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि वीडियोज़ मिलती रहें आपको, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।